तो गाइस हम सबको बताइए कि कुछ टाइम में हमें नेक्स्ट GTA गेम देखने को मिलेगा। अब उसका नाम GTA 6 होगा, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे लीक्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपको नेक्स्ट GTA का ओवरऑल आइडिया और फीचर्स का पता चल जाएगा। और भाई इन लीक्स को मजाक में मत लेना, इन लीक्स को बड़े बड़े लीकर्स और इनसाइडर्स ने शेयर किया है और मोस्टली उनके लीक सही ही रहे हैं, पर स्टिल ये सब लीक्स ही हैं और एंड प्रोडक्ट इन लीक से अलग हो सकता है। इस वीडियो में आपको वो लीक जानने को मिलेंगे जो कि मैंने पहले कभी बता नहीं रखे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी आपको शायद ना पता हो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और हम बात करेंगे GTA 6 की पॉसिबल रिलीज डेट के बारे में भी। बाकी अगर आज थोड़ी सी वॉइस अलग लग रही है तो यार माफ कर देना, कोल्ड हो रखा है, बट फिर भी वीडियो तो बनानी है। रॉकस्टार गेम्स ने खुद फरवरी में नए GTA की कंफर्मेशन दी थी और भाई उसको सुन के और देख के मजा ही आ गया था। GTA 5 को 2011 में फर्स्ट टाइम टीज किया गया था और उसके कुछ वीक्स बाद ही हमें GTA 5 का फर्स्ट ट्रेलर भी देखने को मिला था। उस ट्रेलर के बाद हमें 2013 के स्टार्टिंग में गेम प्ले और ट्रेलर देखने को मिलने लगे थे और अल्टीमेटली GTA 5 को 2013 में ही रिलीज किया गया था। RDR 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और हमें GTA 6 की अनाउंसमेंट मिल चुकी है, तो इसका मतलब है कि हमें कुछ ही वीक्स में GTA 6 का फर्स्ट ट्रेलर देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। लीकर्स और इनसाइडर्स जैसे कि टेस्ट फंस चुका ये भी कहना है कि हमें बहुत ही जल्द GTA 6 का रिवील ट्रेलर देखने को मिल सकता है, बहुत जल्द से उनका मतलब मार्च या मई के बीच में हो सकता है। बट यार फिर भी ये लीक्स ही हैं और ये पुराने सिनेरियो पे बेस्ड है, मे बी अब कुछ चेंज हो जाए या फिर थोड़ा सा डिले हो जाए ट्रेलर, तो 100% सही नहीं मान सकते इस चीज को। तो गाइस हमें GTA 6 का एक पॉसिबल वॉइस एक्टर का भी लीक मिल गया है। कुछ ही दिन पहले GTA फोरम्स में एक एक्टर का रिज्यूमे शेयर हुआ था और उस रिज्यूमे में आप देख ही सकते हो कि उन्होंने GTA 6 में गेस्ट स्टार का रोल प्ले किया हुआ है। इनका नाम गाय फ्रॉट है और अगर इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में GTA 6 को मेंशन किया है तो यार झूठ तो नहीं हो सकता। इंटरेस्टिंगली इनके GTA 6 का प्रोजेक्ट में कैली मूर का भी नाम है। जिनको कैली मूर के बारे में नहीं पता वो कास्टिंग डायरेक्टर है और इन्होंने RDR 2 में एबिगेल रॉबर्ट्स का भी रोल प्ले किया है। सिंस रॉकस्टार गेम्स ने इनका काम देखा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी GTA 6 की टीम में कास्टिंग डायरेक्टर होंगी। इससे इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि कैली मूर ने इन वॉइस एक्टर को हायर किया होगा। अब इन्होंने अपने रेज्यूमे में GTA 6 को मेंशन किया हुआ है, जो कि नहीं कर सकते हैं एज पर द नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। और आपको पता ही होगा कि रॉकस्टार गेम्स किसी भी लीक को टेक डाउन कर देता है, वैसे ही इस रेज्यूमे के साथ भी हुआ क्योंकि बाद में उन्होंने अपने रेज्यूमे से GTA 6 का मेंशन हटा दिया। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर भी एक वॉइस एक्टर ने क्लेम किया था कि उनको GTA 6 में पुलिस ऑफिसर कैप्टन मैकलेन का रोल प्ले करना होगा और इस रिवील के कुछ टाइम बाद ही रॉकस्टार गेम्स ने उनको अप्रोच किया था और उस पोस्ट को डिलीट करवाया था। ओवरऑल ऐसा दिख गया है कि रॉकस्टार गेम्स ऐसी इन्फॉर्मेशन को टेक डाउन की रिक्वेस्ट तभी करेगा जब वो इन्फॉर्मेशन उनको मैटर करती है, फिर प्रोबेबली सच हो, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत है तो रॉकस्टार को क्या फर्क पड़ रहा है, वो पड़े रहने देगा। GTA 6 के काफी सारे ऐसे भी लीक्स आ रहे हैं जिसमें कि हमें फर्स्ट टाइम फीमेल प्रोटैगनिस्ट देखने को मिलेगी और ये बात सच भी होते हुए दिख रही है। रिसेंटली रॉकस्टार गेम्स के एक इंसाइडर ने बोला था कि GTA 6 में फीमेल प्रोटैगनिस्ट के आने के काफी चांसेस हैं और इवेंचुअली इस प्रोटैगनिस्ट का नाम केसी हो सकता है। केसी नाम दो बार लीक्स में आ चुका है, वैसे ये नाम एक बीटा नेम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल GTA 5 की डेवलपमेंट के टाइम पे इसके प्रोटैगनिस्ट माइकल डी सैंटा का नाम एल्बर्ट डी सिल्वा था, तो इस वजह से फाइनल नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए GTA 6 में केसी नाम की एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट बताई जा रही है। गाइस लीक्स की माने तो GTA 6 मल्टीपल एरास में भी सेट हो सकता है, लेकिन भाई ये लीक्स इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। काफी लोगों का मानना है कि GTA 6 प्रेजेंट डे में सेट होगा, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो GTA 6 ऑनलाइन का पॉइंट रह नहीं जाएगा, वो फिर RDR ऑनलाइन बन के रह जाएगा, इसलिए GTA 6 ऑनलाइन के चलने के लिए मॉडर्न डे सेटिंग तो होनी ही चाहिए। बट लीकर्स का ये भी कहना है कि GTA 6 में हमें मल्टीपल सेटिंग्स में वर्क करना होगा, जो किसी एक प्रोटैगनिस्ट के लिए करना इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कि अगर गेम 1980s में सेट है और उस टाइम पे हमारा प्रोटैगनिस्ट 25 साल का है, तो मॉडर्न डे के हिसाब से आज के हिसाब से उसकी एज हो जाएगी 68 ईयर्स, और कोई 68 ईयर्स वाले प्रोटैगनिस्ट के साथ खेलना पसंद करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो इसलिए हमें लगता है कि शायद मल्टीपल प्रोटैगनिस्ट हो सकते हैं, बाकी ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं है इस पे, हमें वेट ही करना पड़ेगा रॉकस्टार की तरफ से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का। और हाँ, मॉडर्न डे सेटिंग तो मेरे हिसाब से कन्फर्म्ड ही है, बाकी उसके अलावा हमें कुछ बड़े लेवल पे प्रोलॉग्स देखने को मिल सकता है जो कि 1980s में सेट होंगे, और GTA 6 ऑनलाइन तो ऑफकोर्स मॉडर्न डे में ही सेट होगा। GTA 6 के सबसे क्लियर लीक्स इसके रेडियो स्टेशन को लेकर हैं। एक ब्राजीलियन लीकर का कहना है कि गेम में अराउंड 20 रेडियो स्टेशन होने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा है, और अगर 20 रेडियो स्टेशन होंगे तो इसका मतलब ये हो सकता है कि गेम मल्टीपल सेटिंग्स में सेट होगा, आज के हिसाब से कुछ रेडियो स्टेशन और पुराने जमाने के हिसाब से कुछ रेडियो स्टेशन। अब इन रेडियो स्टेशन में जो गाने चलेंगे ना, वो कहा जा रहा है कि बड़े बड़े सिंगर्स के होंगे, जैसे कि Eminem, Rihanna और Timbaland। अब ये सिंगर्स तो आज के हैं तो ये मॉडर्न डे सेटिंग्स को ही सूट करेंगे, बट लीक्स में एक माइकल जैक्सन का गाना भी लीक हुआ है जो कि अर्ली ईयर्स की सेटिंग को इंडिकेट करता है। लीकर्स ने यह भी बताया है कि रॉकस्टार गेम्स ने 2019 में ही इन सॉन्ग्स के लाइसेंसेस को लेना शुरू कर दिया था, जो कि मोस्टली गेम्स की एंड डेवलपमेंट स्टेजेस में ही होता है। लास्ट 2 साल में पूरी दुनिया का फोकस ब्लॉकचेन और बिटकॉइंस पर था, तो GTA 6 के लिए भी ब्लॉकचेन रिलेटेड लीक्स आने लगे हैं। और रिसेंटली टेक टू इंटरएक्टिव के CEO ने खुद बोला है कि वो क्रिप्टो करेंसी और इवन NFT से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और वो चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ फीचर अपने फ्यूचर गेम्स में इंप्लीमेंट करें। अब वो किस सीरीज की बात करें या फिर किस गेम की बात करें इसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ NFT जो है वो आ सकती है,
क्योंकि बहुत सारे गेम डेवलपर्स जो हैं वो पूरी इंडस्ट्री के वो NFTs में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि GTA 6 में NFTs को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। हो सकता है कि हमें गेम के अंदर ही कुछ NFTs देखने को मिल जाए या फिर GTA 6 की कुछ NFTs उसकी लॉन्च के टाइम पे सेल पर आ जाए जिससे कि हम उन्हें खरीद पाएंगे। आपको क्या लगता है GTA 6 की NFTs आ सकती हैं क्या मार्केट में? मुझे बताना कमेंट्स में। अगर आपको क्रिप्टो और NFTs के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो जो कि मैंने स्टॉक पर पहले बनाई थी कि आप कैसे ऐसे गेम्स खेल खेल के क्रिप्टो करेंसीज अर्न कर सकते हो, जो कि सही में काफी ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स भी आया था आपका उस पर। गाइज मैंने लोकेशन वाले पॉइंट में बताया था कि GTA 6 में हमें कुछ और लोकेशन भी देखने को मिल सकती है। 2018 के लीक्स के अकॉर्डिंग GTA 6 का डेवलपमेंट नेम प्रोजेक्ट अमेरिकास था, जिसमें हमें वाई सिटी के अलावा कुछ सदर्न एरिया जैसे कि ब्राजील, रियो डी जेनेरियो देखने को मिल सकते हैं। बट ये लीक मोस्टली गलत बताई जा रही है। रीसेंट लीक्स की माने तो हमें GTA 6 में थोड़ा बहुत लॉस सैंटोस या फिर लिबर्टी सिटी भी देखने को मिल सकता है। जैसे आपको याद होगा कि GTA सैन एंड्रियास में सीजे जो है वो लास वेंटुरा से लिबर्टी सिटी जाता है। इमेजिन करो आप वाई सिटी से मिशन करने या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए किसी और सिटी में जा रहे हो, कितना अमेजिंग होगा। आप GTA में लॉस सैंटोस और लिबर्टी सिटी में से किस सिटी को देखना चाहते हो मुझे कमेंट्स में बताना। मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले ही बताया था कि रॉकस्टार गेम्स एक VFX आर्टिस्ट को ढूंढ रहा है जो कि ओपन स्केल एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कर सके। लेकिन ऐसे भी लीक्स आए हैं जिनसे पता लग रहा है कि GTA 6 में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगे जैसे कि हरिकेन्स। RDR 2 में हरिकेन्स तो नहीं थे बट इसकी प्रोग्राम फाइल्स में हरिकेन नाम की एक फाइल प्रेजेंट थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि रॉकस्टार गेम्स RDR 2 में हरिकेन्स को टेस्ट करने वाली हो एंड वैसे ही हरिकेन्स हमें GTA 6 में देखने को मिल जाए। वैसे आपको याद होगा कि GTA Vice City में हरिकेन्स थे, मतलब एक रेडियो वार्निंग में कहा गया था कि हरिकेन्स की वजह से सारे ब्रिजेस को क्लोज कर दिया गया जैसे हम गेम स्टार्ट करते हैं। तो मे भी हो सकता है कि GTA 6 में हमें फुल फ्लैश हरिकेन्स देखने को मिल जाए हमारे Vice City मैप में, जो कि सही में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हुआ और ये हरिकेन्स जो वो एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय भी कर पाएंगे। रिलीज डेट, इसका हम बहुत साल से वेट कर रहे हैं। GTA 6 की कंफर्मेशन से पहले तो हमें ऐसा भी लग रहा था कि GTA 6 कभी आएगी नहीं, लेकिन खैर अब वो डाउट तो चला गया, अब GTA 6 आएगी, रॉकस्टार ने खुद कंफर्म कर दिया है। बट बात आती है इसकी रिलीज टाइमलाइन की। पुराने लीक से लग रहा था कि ये 2024 से 2025 के बीच में रिलीज होगी, बट अकॉर्डिंग टू टेस्ट फंड्स 2 रॉकस्टार गेम्स जो प्लान कर रहा है GTA 6 को लेट 2023 में निकालने का, यानी कि 2023 के एंड में रिलीज करने का। इसका मतलब आप कह सकते हो कि GTA 6 की रिलीज फिस्कल ईयर 2024 के लिए प्लान है, यानी कि जुलाई 2023 से लेकर जुलाई 2024 के बीच में कभी भी ये रिलीज हो सकती है। अब इसी रिलीज के लिए रॉकस्टार गेम्स ने काफी सारा एडवर्टाइजिंग बजट भी प्लान किया हुआ है जो कि तभी यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एनालिस्ट। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि गेम डिले हो जाए। अब गेम डिले होगा या नहीं यार वो तो पता नहीं, लेकिन जब रॉकस्टार गेम्स ने ट्वीट डाला था ना गेम को अनाउंस करते हुए, उनकी बातों से तो लग रहा था कि यार गेम की डेवलपमेंट ऑन ट्रैक है एंड बिल्कुल टाइम पे रिलीज हो जाएगा। जैसे ही रॉकस्टार गेम्स ने GTA 6 अनाउंस किया ना तो उसके डेवलपर्स ने भी एक चैन की सांस ली, क्योंकि भाई उन डेवलपर्स का लोगों ने दिमाग खराब कर दिया था सब पूछ पूछ कि भाई बता दो GTA 6 कब आ रहा है या नहीं आ रहा। पर डेवलपर्स जब कुछ रिवील नहीं कर सकते थे, बट अब रॉकस्टार गेम्स जब अनाउंस कर दिया तो डेवलपर्स के पास भी फ्रीडम आ गई इसके बारे में बात करने की। एंड उन्होंने भी उसी ट्वीट को रीट्वीट करके कहा और बताया कि हाँ भाई GTA 5 और GTA Online के बाद भी कुछ है, हम कुछ बना रहे, एक नई GTA बना रहे हैं। अब बात आती है इसके प्लेटफॉर्म की, तो कुछ लीकर्स का ये कहना है कि GTA 6 जो है वो सिर्फ PC एंड करंट जेन कंसोल्स के लिए होगा, जिसका मतलब ये कि ये सिर्फ PS5, Xbox Series XS और PC पे ही चलेगा। जो पुराने कंसोल्स थे जैसे कि PS4 और Xbox One, उन पे शायद ये ना चले, जो कि उन यूजर्स के लिए थोड़ी सी दुख की बात हो सकती है। बट अगर हम मान के चले कि 2024 या फिर 2023 के एंड में रिलीज हो रहा है तो तब तक तो बहुत लोगों के पास PS5 एंड Xbox Series XS आ चुके होंगे। बाकी ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम तक PS5 एंड Xbox Series XS एक्सक्लूसिव रहे, जैसे कि RDR 2 या फिर GTA 5 के साथ हुआ था, एंड हमें 1.5 साल बाद PC के लिए देखने को मिले। और इसकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होगी यार वो भी ज्यादा ही होंगी, अभी हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट हाँ वो तभी पता लगेगा जब ये रिलीज होता है। तो गाइज ये थे कुछ लीक्स अबाउट GTA 6 जो कि अभी रिसेंटली 1-2-3 हफ्ते में आए हैं। मैंने सब कुछ आपको एक छोटी सी वीडियो में बता दिए, इससे ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास अभी GTA 6 को लेकर। जो भी होगी वो ऐसे किसी एक वीडियो में बता दूंगा 1-2 महीने बाद। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।